Hi everyone, welcome back to my channel Study with Aditi. In today's video, we are going to discuss about types of fragmentation. Okay, ये mass spectroscopy का uh, spectrometry का काफी important topic है. Sorry, spectroscopy की आदत लग गई है बोलने की. तो किस तरह से fragmentations होती हैं mass spectrometry में? वो हम यहाँ पे discuss करने वाले हैं. I hope आपने मेरे channel को अब तक subscribe कर दिया होगा. And uh, अगर आप मेरे channel में नए हैं, then please subscribe it ताकि आपको further हर एक topic नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे ओके लेट्स स्टार्ट द वीडियो बट अगर आप साथ साथ में नोट्स बना रहे हैं देन आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं बट इफ यू नीड द पीडीएफ पीडीएफ ऑफ नोट्स देन यू कैन मेल मी ओके लेट स्टार्ट तो हमारे पास बेसिकली हम यहाँ पे चार तरह की फ्रेगमेंटेशन को पढ़ने वाले हैं द फर्स्ट वन इज़ सिंपल फ्रेगमेंटेशन की सिंपली जो फ्रेगमेंटेशन होगी ठीक है रिट्रो डील्स एल्डर रिएक्शन रिवर्स ऑफ डील्स एल्डर रिएक्शन ठीक है तो इस रिएक्शन में क्या होता है हमारे पास यहाँ पे इस तरह से फ्रेगमेंटेशन होगी जो कि दो टाइप से हो सकती है वन इज़ होमोलिटिक एंड द सेकेंड वन इज हिट्रोलेटिक ठीक है तो इस डायग्राम के थ्रू आप यहाँ पे एरोस के थ्रू क्लियर कर सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हमने रिट्रोडिल्स एल्डोरिएक्शन करवाया है ठीक है द सेकेंड वन इज रीअरेंजमेंट विद एटम ट्रांसफर ठीक है तो रीअरेंजमेंट विद एटम ट्रांसफर की जो हमारे पास एटम होगा एक यहाँ पे उसको हम आ, ट्रांसफ़र कर देंगे उसकी और उसी की वजह से जो रीअरेंजमेंट आएगी दैट इज़ रीअरेंजमेंट विद एटम ट्रांसफ़र देन स्क्रैम्बलिंग स्क्रैम्बलिंग क्या होता है कि हमारे पास ट्रपोलियम आयन बनता है और वो बहुत स्टेबल होता है विद एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन और ये एरोमेटिक कंपाउंड है और एम वाई जेड तो आपको हर एक कंपाउंड का लिखना ही है मास स्पेक्ट्रोमेट्री में ओके देन एलिमिनेशन कि एलिमिनेशन होगी स्मॉल न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स की सचैज एच टू ओ एच एक्स ठीक है तो इस तरह से हम एलिमिनेट uh, चीज़ें हो जाएंगी हमारे पास स्मॉल स्मॉल न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में तो ये जो है वो चार टाइप की फ्रेगमेंटेशंस आएंगी मास स्पेक्ट्रोमीट्री में आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू